नमस्कार दोस्तों, शिल्पा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का रायता, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो सब्जी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं आलू की, तो रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलो दोस्तों, हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। रायते के लिए हम लेंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला, पीसी शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, और ये सभी चीज़ें ऐड करने से रायते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके लिए मैंने लिया है ये फुदीना। अगर अभी फुदीना नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पर उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े, हरी धनिया पत्ती, इतनी चीज़ें हमको लेनी है रायता बनाने के लिए। दही एकदम गाढ़ा वाला लिया है और बॉइल्ड आलू के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो घी या तेल में आलू को सौते भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हेल्थ के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए बॉइल्ड आलू लिया है। रायते के लिए जो दही हमने लिया है उसको हम विस्कर की सहायता से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। रायते का दही जितना ज़्यादा फेटा हुआ रहता है रायता उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। दही को हमने फेंट लिया है, ये देखिए ऐसा दही होना चाहिए इसका। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो चीज़ों को बहुत स्वादिष्ट बनाती है। दही तैयार है, अब हम इसमें सारे मसाले जो हमने लिए हैं ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जो सारे मसाले मैंने लिए थे अब हम बारी बारी से ऐड कर देंगे। वही सब जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, पीसी शक्कर, नमक, हरी मिर्ची। शक्कर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिठास ये रायते में अच्छी लगती है। धनिया पत्ती, फुदीना पत्ता, सारी चीजों को हमको दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो दही है कितना शानदार दिख रहा है। अब इसमें आलू मिक्स कर देते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आलू को ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये रायता कितना शानदार लग रहा है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आलू का रायता खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये खाने का स्वाद दुगुना कर देता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। रायता हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब बारी आती है थोड़ी सी गार्निशिंग की, जिससे दिखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाओ, पराठे में खाओ, दाल चावल के साइड से खाओ। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।